साथियों गुड मॉर्निंग। आज 21 दिसंबर है। चलिए देखते हैं आज का टॉप करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। तो बता दूं आपको कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस का उद्देश्य वैश्विक एकता को बढ़ावा देना और गरीबी और भूख और बीमारी से लड़ना है। इस वर्ष का विषय क्या था, थीम क्या थी? एडवोकेट फॉर चेंज। आपको बता दें कि यह एकजुटता की संस्कृति को बढ़ावा देता है और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एकता के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाता है। दिसंबर महीने के प्रमुख दिवस देखते, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारा पिछले 11 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं साथियों, जनवरी से लेकर कंप्लीट नवंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स पीडीएफ, जिसमें 1100 क्वेश्चन है, 11 महीने के हर महीने के 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। काफ़ी ज़बरदस्त पीडीएफ फाइल है। इसकी प्राइस है मात्र 89 रुपीज़। इसको आप परचेज़ करना चाहते हैं अगर आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप जो है साथियों और पेमेंट करके ऑनलाइन, ठीक है, तो जो इसको आप परचेज़ कर सकते हैं साथियों, ठीक है। और इसके अलावा साथियों अगर आप डायरेक्ट परचेज़ करना चाहते हैं, इस व्हाट्स ये जो नंबर है, इस नंबर पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम कुछ भी, और इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और आपको पीडीएफ फाइल आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? राइट आंसर है हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी जीत लिया है, ठीक है। तो विजय हजारे ट्रॉफी खेली जाने वाली क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता है, और आपको बता दें दिसंबर 2023 में विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन किया गया। विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल राजकोट के सौराष्ट्र स्टेडियम में खेला गया। यह फाइनल राजस्थान हरियाणा के मध्य खेला गया, ठीक है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, सीएम है मनोहर लाल खट्टर, लोकसभा की 10 सीट है, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। यहाँ पर खेल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम कप्तान लौरा वोलवार्ड को बनाया गया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब विराट कोहली ने जीता है। विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। किसे प्रतिष्ठित मानद अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नितिन मोहन लाल। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक और जीवन प्रशिक्षण डॉक्टर नितिन मोहन लाल को उपचार व्यक्तिगत विकास में योगदान के लिए मानद की डॉक्टरेट उपाधि दी गई है, ठीक है। देखिए कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं, ठीक है। तो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। 33वां व्यास सम्मान के लिए पुष्पा भारती को चुना गया। विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मीरे ने यूएन नानसेन पुरस्कार जीता। शिक्षा के लिए 22 पुरस्कार सफीना हुसैन ने जीता है। नेक्स्ट, देश का दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट पर नज़र रखने वाले प्रमुख ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म सेइक इन ने हाल ही में 1.5 में अर्थव्यवस्था का आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। यूपी देश की जीडीपी में हिस्सेदारी 9.2 हो गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, सीएम है योगी आदित्यनाथ, लोकसभा की यहाँ पर 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट JN1 का पहला मामला कहाँ मिला है? उत्तर होगा केरल के अंदर ये पहला मामला मिला है। JN1 कोरोना वायरस का नया सब वेरिएंट है ये, ठीक है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सीएम पिनराई विजयन, लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9 सीटें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे बड़े योग केंद्र का नाम निर्माण कहाँ किया गया है? उत्तर होगा वाराणसी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा योग केंद्र का निर्माण किया गया, ठीक है। इस योग केंद्र का नाम है स्वर्वेद महामंदिर रखा गया है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। इसमें 20,000 लोग बैठ सकते हैं।
नेक्स्ट, किस अधिकारी ने जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है? महेश्वर दयाल। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर महेश्वर दयाल ने 18 दिसंबर को ऑफिशियली जेल और सुधार सेवाओं के महानिदेशक की भूमिका संभाली। कई जिलों और विशेष इकाइयों में विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं द्वारा चिन्हित एक विशिष्ट करियर के साथ अपनी नई स्थिति में अनुभव खजाना लेकर आए। कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फतिमा वसीम बन गई हैं। हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त के एस रेड्डी को नियुक्त किया गया। सैम अल्टमैन को फिर से ओपन एआई का सीईओ नियुक्त किया गया। रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुनीत विद्यार्थी को अध्यक्ष नियुक्त किया है। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया? उत्तर होगा प्रहलाद जोशी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को लॉन्च किया है। किसे हाल ही भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? उत्तर है पूनम खेत्रपाल सिंह को हाल ही में प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? उत्तर है 2 लोगों को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार घोषणा की। ठीक है, 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इस बार 26 खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साई राज को प्रदान किए जाएंगे। देखिए 20 दिसंबर का रिवीजन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है आपका आज का सवाल। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है साथियों। ठीक है, जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए।